इलेक्शन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पर भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। अल्लाह पाक ने बनाया हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। पंचिंग बैग सबसे फेवरेट इंडियन पॉलिटिक्स में वो पाकिस्तान बनता है और स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज्यादा, साउथ ऑफ इंडिया में नहीं है। उन्होंने कहा वो देख लें, वो जो पाकिस्तान था जो दहशत गर्द वो एक्सपोर्ट करता था, मीन्स के हमारे ऊपर अटैक करता है, अब उनके आटा नहीं है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग, और पावर्टी है, और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग।